तो ये सवाल पेपर में आया सीपीयू 2019 कैसे करेंगे, अप्रोच क्या रहेगी, अप्रोच क्या रहेगी, देखिए ध्यान से। आपको मालूम है कि एक फैक्टर एक्स वाई है तो दूसरा फैक्टर कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर। अब देखिए ऊपर 21 है, ऊपर कितना है 21, 21 का एक फैक्टर कितना है 3, तो दूसरा कितना होगा 7 बटे, नीचे 256 का एक फैक्टर 16, दूसरा भी 16 बचेगा 7 बटे 16। बेसिकली क्या है कि इन दोनों का गुणनफल ये है, तो इन दोनों का गुणनफल भी आना चाहिए, यानी 7 21 16 16 256 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बताओ। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना था 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो कोई बच्चा बताएगा कि इसको जोड़ें या घटाएं, तो कोई बच्चा भी इस बात को बता देगा कि इसको जोड़ने में वाला है, xy से xy कर दिया तो कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 7 और 3 10 बटे 16, 10 बटे 16 का मतलब कितना है 5 बटे 8। तो यही इस सवाल का उत्तर है, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभिषेक थपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजू झूठ है फरेब है, आरजू का फरेब खाना नहीं प्यार कहती है दुनिया, जैसे वही रंगीन धोखा है कुछ नहीं, जैसा आपको लगता है लगातार धोखे मिले इस तरीके से उनकी सोच ऐसी हो चुकी है। सदाशिव खूंटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक शर्मा जुड़े हुए हैं, शुभम चौधरी जुड़े हुए हैं, झारखंड से तुम्हारा टायर है। फिर से बता रहा हूँ सवाल को, बाकी और भी बहुत सारे सवाल हैं, तो एक सवाल पर ज्यादा टाइम मत लगवाओ। हमने कहा एक एक्स वाई है तो दूसरा माइनस एक्स वाई होगा, 21 का एक फैक्टर 3 तो दूसरा 7, 256 का एक 16 तो दूसरा भी 16, और इस तरीके से उत्तर 5 बटे 8 है। ये सवाल देखिए जल्दी जल्दी उत्तर बताएं, आप जल्दी जल्दी उत्तर बताएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, जल्दी बताइए जल्दी। अतराज बगुरिया भी हैं, एमडी सफी साहब आप उत्तर बताइए, एमडी सफी, किशन शर्मा, अमित गुप्ता, एक लड़के का नाम है मैं हूँ उसकी बंदी, ओ कैसा नाम है मैं हूँ उसकी बंदी, नेचर से बहुत ही गंदी, फैलाती हूँ गंद, लोग करते हैं मेरी झंड। ठीक है देखो भाई, अगर एक फैक्टर माइनस थ्री ए बी वाला है तो दूसरा क्या होगा ए स्क्वायर प्लस थ्री ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। अच्छा एक फैक्टर 28 है, एक 28 है, दूसरा कितना होगा 4, 4 होगा, 7 चौक 28, ए बी पूछा है माइनस करें या प्लस, तो आप बोलेंगे जी माइनस करना होगा, तो हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, थ्री ए बी में से माइनस थ्री ए बी घटाया तो कितना होगा 6 ए बी बराबर 4 माइनस 7 माइनस 3, तो ए बी कितना आ गया माइनस 1 बटे 2। मैं समझता हूँ काफी सारे बच्चों का उत्तर आ गया होगा। सुग्रीव प्रजापति भी है, गुरुदेव चैनल का नाम बता दो सबको, चैनल का नाम अभिनय से, ये कैसे कैसे बच्चे जुड़ते हैं मुझे समझ में नहीं आता, कह रहे चैनल का नाम बता दो सबको, मुझे भी समझ होती है। ठीक है, ए की घात 4 माइनस 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की घात 4 बराबर 28 ए स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 7, तो हमने का एक माइनस 3 ए बी प्लस 3 ए बी निकाल दी। अब देखिए मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगा, आप जल्दी जल्दी उत्तर बताइए, बस मुझे जल्दी जल्दी उत्तर बताइए, कौन बच्चा बताएगा। कोकी शर्मा भी जुड़े हुए हैं, कोकी कैसा नाम है कोकी, देखिए अब मैं मुझे तो मालूम है मैं कुछ टेंशन पालूंगा नहीं, मुझे पता है कि अगर ये प्लस ए बी है तो अगला माइनस ए बी होगा, यानी ए स्क्वायर और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी माइनस बी स्क्वायर होगा, प्लस थ्री अभी आप चाहो तो करके देख लो आपको क्या करना है, माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ले जाना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, ए बी का स्क्वायर एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा। ठीक है भाई, अब 12 का एक फैक्टर 4 है, दूसरा कितना होगा 25 का एक फैक्टर 5 है, दूसरा कितना होगा 5, बोलो क्लियर है कि नहीं बात, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना था, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ूंगा तो आ गया ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 4 और 3 7 बटे 5, ठीक है 7 बटे 5। मैंने कहा कि अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू रख दूं तो आप कहेंगे जी 7 बटे 2 गुणा 5 आएगा, तो कितना आ गया 21 बटे 10, 21 बटे 10 का मतलब 2.1। देखिए अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है इस बात का, आप सिर्फ बातों में लगे हुए हैं, सवाल करने के नाम पर आप जीरो हैं। बलवीर सिंह सर मेरा नाम लो आज तुम किसी साहिद हुसैन, ठीक है भाई साहिद ले दिया आपका नाम, अब बताओ क्या लेना, ढोल पिटवा दूं आपके नाम का पूरे इलाहाबाद में, बताओ हैं उसके दिल पे भी लिखवा दूं, गुदवा दूं आपका नाम। जब मैं मुखर्जी नगर में रहता था विद्यार्थी जीवन की बात बता रहा हूं, तो एक इलेक्ट्रीशियन था, इलेक्ट्रीशियन तो उसके हाथ पे रीता लिखा हुआ था, रीता वो ऐसे करता था, फिर पीछे कर लेता था, ऐसे करता था। मैंने क्या हुआ बताओ, तो बोला अरे बस गुरुजी मैं तो उस वक्त पढ़ाता था छोटी मोटी कोचिंग, अरे गुरुजी बस पूछो मत, बड़ी दुखरी कहानी। मैंने क्या बोला, इसे कितना छुपाऊं, ये मैंने जो जो उसमें लिखा लिया था किसी का नाम, अब शादी हुई मेरी सीमा से और रीता लिखा हुआ मिटता नहीं, जो वैसे लिखा लेते ना, या तो ऑपरेशन से मिटता हो तो करा नहीं सकता ऑपरेशन, कह रहा मैं इतनी सुनता हूं इसके लिए, इतनी सुनता हूं करूं तो करूंगा, इसीलिए कहते हैं कि दिल पे नाम भी सोच समझ के लिखना चाहिए, क्योंकि दूसरा अगर दिल में उतरा तो वहां भी पढ़ लेगा कौन है। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखेंगे, अब तो ये सवाल तो कर ही लेंगे, इतना छोटा सा क्या सवाल बताऊं, इसको होमवर्क में देते हैं, आरडब्ल्यू में देते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा मुश्किल है, इसकी एक बार कोशिश करो, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल है, एक बार कोशिश करो। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 3 है, तो मैं इतना तो समझ रहा हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे जी ये होगा 15 का एक फैक्टर 3 तो दूसरा 5, यही होगा। हमने कहा कि अगर मैं इसको जोड़ता हूँ, जोड़ूंगा तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 8, 8 आ जाएगा। अगर मैं इसको घटाता हूँ तो 2 ए बी कितना आ जाएगा 2। तो देखिए हमने क्या पाया, अब हमें निकालना क्या है, ये निकालना है। कोई बच्चा जानता है ये किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे जी बराबर होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देख लो चेक करके, आप चाहो तो देख लो चेक करके कि क्या होगा, बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का स्क्वायर में से 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर घटाऊंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अरे ये तो पता होगा ना कि ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4 ए बी, पता है ना। नहीं तो आप क्या करो, पहले इसका स्क्वायर करो तो माइनस आएगा, फिर उसमें एक बार प्लस करो। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इनका मान पता है, मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है कितना है 4, तो मैंने कहा अगर ये 4 है तो अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये 2 ए बी का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर यहाँ से क्या होगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 होगा, तो ये 4 निकाल सकता हूँ मैं, तो मैंने माइनस का 4 कर दिया, ये कितना आ गया रूट 12, 12 का मतलब 2 रूट 3 इज द करेक्ट आंसर। अगर कुछ भी आपको डाउट है, कोई भी बात समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हो। अभिनय सर फैन एंड मोटिवेशनल क्लब से एक बच्चा है, बहुत सारे ऐसे चैनल्स बने हैं, सबको बहुत बहुत बधाई, आप बहुत आगे जाएं जीवन में।